सरकारें बदली, नेता बदले, मगर नहीं बदला तो हर साल की तरह ये नजारा। हर साल बारिश होती है और नदी का जल स्तर बढ़ जाता है, फिर दमुआ से मुल्ताई मार्ग पूरी तरह से ठप हो जाता है, जो गांव वालों के लिए मुसीबत बन जाता है। जिला छिंदवाड़ा के जुन्नारदेव विधानसभा में नवे गांव के अंतर्गत आने वाले ग्राम घाना उमरी की भैसाई नदी, जो दमुआ से मुल्ताई को जोड़ती है, हर साल इस नदी में बाढ़ आ जाने से मार्ग पूरी तरह बंद हो जाता है। आवागमन रुकने से पूरे गांव को समस्या आती है। हर साल यहां के लोग धरना भी देते हैं। इस नदी में पुल बहुत पुराना और छोटा है। ग्रामीणों की मांग है कि पुल को ऊंचा किया जाए, जिससे आने जाने में कोई बाधा ना आ पाए और कोई दुर्घटना ना हो, पर प्रशासन कभी इस ओर ध्यान नहीं देता। हर साल बारिश के मौसम में यह नदी एक मुसीबत बन जाती है और दमुआ से मुल्ताई मार्ग पूरी तरह बंद रहता है। ग्रामीणों के पास नदी पर बने छोटे पुल के अलावा कोई और रास्ता भी नहीं है, जिसकी वजह से कई बार हादसे भी हो जाते हैं। से देखने में ये आ रहा है कि मुल्ताई से टीमढाना मार्ग में यह भैसाई नदी के नाम से प्रसिद्ध है और यह हर समय अपना विकराल रूप दिखाती है। हाँ। इससे आने जाने वाले आवागमन, यातायात के साधन पूरी तरह से ठप हो जाते हैं। हाँ। 2 से लेकर 3 दिन तक यह नदी उतरती नहीं है। हाँ। और वर्षों से हम प्रशासन से मांग कर रहे हैं इस चीज़ के लिए। हाँ। कि इस नदी पे पिल्लर वाला बड़ा पुल बनाया जाए, लेकिन इसमें प्रशासन की कुछ सख्ती ढीली नज़र आ रही है और देखना है कि शासन इस पर क्या कदम एक्शन लेती है। और यह नदी दुर्घटना को भी संकेत दे चुकी है। इससे पहले दुर्घटना हुई थी यहाँ पर? हाँ, दुर्घटना बहुत सारी, और युवा साथियों लोग ने दुर्घटना से मतलब कुछ बह गए बाइकर्स लोगों को भी बचाया है। हाँ। और यहाँ पे जब भी नदी आती है। हाँ। तो यहाँ पे स्थानीय लोग ही इस नदी में मदद करते हैं। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।